को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी फ्रेंड का स्वागत है उत्तराखंड के इस प्यारे से गांव सलोन गांव से। तो चलो देखते हैं यहाँ कभी हो। तो ये रहा सलोन गांव कभी हो। तो सामने तो हमारे लिए नाश्ता बनना है, यानी कि मेहमान लोग, हम मेहमान बन के कल यहाँ पहुँचे हुए हैं दोस्तों। तो देखिए वो नीचे बैठाने गाँव दिखाई दे रहा है और भी बहुत सारे गाँव सामने दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो सलोन गांव एक बहुत बड़ा गांव है और मेरे दगड़े अभी उठाना चाहिए प्रेम है वीरो भाई है। ज़्यादा ठंड तो नहीं लग रहा थी? बहुत ज़्यादा ठंड है तो बिल्कुल कोई नहीं। घाम ताप भी होना आप खूब कहें। अरे हमारे समदेन जी रही। अब देखिए सामने बाहर पहाड़ों तक तो धूप आ चुकी है दोस्तों। अरे यहाँ सामने बहुत बड़े बड़े गाँव भी हैं जिनका कि मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन वो नीचे पैठानी दिखाई दे रहा है। अरे यहाँ सामने पता नहीं कौन कौन से गांव पड़ते हैं, रिश्ते, गुलेक, कठोर, बहुत सारे गांव उस तरफ पड़ते हैं दोस्तों। तो यही नीमा का घर है, इसी घर पर नीमा की शादी हुई है। अब फिर रात तो मेरे सामने ठीक सनराइज हो रहा है दोस्तों, प्यारा सा सनराइज हो रहा है, बहुत खूबसूरत सनराइज। अब सीधे थोड़ा नाश्ता पानी करके अपने घर के लिए रवाना होंगे। चलो देखते हैं कैसे मुंह धोया जाता है, आपको तो पता नहीं होगा। तो ब्रश रगड़ना पड़ेगा क्या? ब्रश लगाना पड़ेगा चेहरे में? पड़ेगा थोड़ा मुंह पे। अच्छा जे ऊपर से रे बोल रहा है। अच्छा ऊपर ऊपर के घर। ऊपर के घर ठीक है ठीक है। अच्छा मोस का पोइ दिल भी नहीं रहता। अच्छा तो आई एम नो लोग कोई नहीं सो गया। तो चलो नाश्ते की तैयार होने वाला है आपके लिए, फिर जल्दी जल्दी धो लो। तो चलो गाइस नाश्ते की तैयारी हो चुकी है, करते हैं नाश्ता। तो चलिए हमारी नाश्ते की तैयारी हो चुकी है सलोन गांव में। सारे भाई बैठ के करते हैं नाश्ता। बाकी भाई हमारे यहाँ पर खड़े हैं, नीमा से गपशप लगा रहे हैं क्योंकि आज ये लास्ट मुलाकात है। आज के बाद नीमा परमानेंट ही रहेगी। अब उसका आना जाना बहुत कम हो जाएगा भाई, कभी कभी बार बार में आया करेगी और उससे नहीं तो नहीं हो पाएगी जहाँ मुलाकात है। हमारे गांव की लड़की और देखिए नाश्ता करने की तैयारी और चल रही है, अभी उनको मैं लेकर जा रहा हूँ ठीक छत के ऊपर। तो चलो गाइस सो फ्रेंड हमारी तैयारी हो चुकी है नाश्ता करने के बाद। हम जाएंगे नीमा की बड़ी सिस्टर के घर, यानी कि बहुत अच्छी बात है कि नीमा की बड़ी वाली सिस्टर इसी गांव में रहती है सलोन गांव में। तो मैं चलो उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा। सब से आगे से लगे हैं शशि भाई, जिनको कि रास्ते का पूरा अनुभव है पुराना। तो चलो मैं वहीं पर जाकर आपको मिलाता हूँ नीमा की बड़ी वाली सिस्टर से। उठ गए वाह। अच्छा जी धन्यवाद। तो यहाँ के व्यू तो बहुत ही अच्छा भाई, देखिए सामने वाले गांव
और ठीक नीचे दिखाई दे रहा पैठानी मार्केट का बहुत शानदार व्यू। क्या बोलने हो कड़े? तिरपाली सैन, सॉरी, तो मेरे नॉलेज में कम था। ये रहा तिरपाली मार्केट ठीक नीचे सलोन गांव के नीचे, और उस साइड आप देख पा रहे होंगे बड़े बड़े गांव हैं भाई, कठोर, गुलेक, रिश्ती, पता नहीं क्या क्या उनको कहा जाता है। ये देखिए जी नीचे मकान बहुत सारे। हमारे बॉस सबसे आगे लगे हुए हैं, और उसके बाद ये जैकेट बैग वाला बॉस हमारे पीछे से लगा हुआ है, प्रेम बॉस। हेलो। तो देखिए भाई साहब तिरपाली सैंड मार्केट का व्यू, ओ नीचे जो रोड दिखाई दे रही है आपको बहुत शानदार व्यू है। और इस तरफ के मकान देख लीजिए, क्योंकि नीमा का जो ससुराल उनका घर है सबसे ऊपर है टॉप में, तो बाकी मकान। अरे आज के दिन पर यहाँ चार शादियाँ भी है भाई, बहुत बड़ा विलेज है ना। तो देखिए मीनाक्षी जनरल स्टोर इस वक्त हम मौजूद हैं, दुकान है पर लेकिन दुकान में कोई है नहीं। एंड चौमिन सेंटर, ऑल इंडियन टैक्सी सर्विस भी यहाँ पर उपलब्ध है, और कॉन्टेक्ट नंबर भी उनका भाई। क्या बात है भाई साहब, ये है मीनाक्षी जनरल एंड चौमिन सेंटर, ऑल इंडिया टैक्सी सर्विस भी है। अच्छा ठीक है, देखो ऑल इंडिया भी आप यहाँ से संपर्क करके कॉन्टेक्ट कर सकती हो इन नंबरों पे। उठ गए ना, बिस्कुट। दोस्तों मेरे दोस्तों का कहना है कि वो मेरी उंगली के सामने आपको चौखंबा पर्वत दिखाई दे रहा है सलोन गांव से, तो देखो मैं कोशिश करता हूँ। चौखंबा पर्वत ज्यादा खास तो नहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ठीक बड़ा वाला पेड़ जो है कालिंगा का थॉल है, माता काली का मंदिर है ठीक मेरी उंगली के ऊपर, जो बड़ा बरगद का पेड़ जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो बड़ी देर वेट करने के बाद आप सामान हमें मिला, तो चलते हैं सरोजनी के घर जाएंगे पहले। तो देखो दो दिन हमारे अग्रणी तीसर नीमा हो गए, तो तीन दिन हमारे गांव में होगी भाई सोलन गांव में, हमारी काफ़ी रिश्तेदारी है। वैसे दोस्तों उतनी ज़्यादा भी नहीं है, हमारे दो चार भाई थे उनके लिए यहाँ शादी के कार्ड भी थे, तो मेहमान नवाज में गए हुए हैं, तो हमारे लिए तो नहीं था, तो हम चलो घूम लेते हैं, रूप रूप कराता हूँ मैं आपको। धूप खिल चुकी है, धूप तो बहुत मस्त लगी है कि लाउड़ मान के घाम होता पड़ पूरे दिन। हाँ तो ये नीमा की बड़ी सिस्टर का ससुराल है, घर है, घर है नीमा दीपा का, तो दीपा तो अभी हमारे गांव में है। संदीप, 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 मैं बैठ नहीं आ रहा। तो ये रही दीपा की सास हमारी समझने नी। नमस्ते समझन जी, ठीक ठाक छो? हाँ ठीक ठाक, तुम ठीक छा? ठीक छी समझन जी, बैठ चा प्या। अच्छा अच्छा प्याला, तो एक नए घर में हम फिर पहुंच चुके हैं, तो मैं आपको रूबरू कराऊंगा, उनकी दुकान है ऊपर सलून खाल में। क्या नाम तुम्हारो? नाम हर्षो है, ठीक है, फ्रॉम सलून से है भाई, उनकी ऊपर दुकान है मिठाई की। ये हमारी कुष्मा दीदी रहती है कपरोली में, तो उनकी लड़की यहाँ सलून गांव में रहती है, तो उनका ये घर है, यानी सस्सी भाई फूफू दीदी हुई ना, फूफू दीदी, तो ये उनका घर है, फूफू दीदी की लड़की, फूफू दीदी की लड़की कपरोली से यहाँ रहती है सलून, तो इनके ऊपर बहुत बड़ी दुकान है मिठाई और स्वीट की दुकान है सलून धार में। हाँ क्या बोले? हाँ सलून खाल में, तो इन्हीं की दुकान है वो, ये हमारे जीजा जी लगते हैं रिश्ते में, तो अच्छा मटरी।
तो ये हमारे जीजा जी इनकी दुकान में बता रहा था आपका नाम सब गुड्डू सिंह, गुड्डू सिंह फ्रॉम सलोन। तो उनके ऊपर स्वीट की दुकान है गाइस। तो हाँ, वहाँ पर आप शादी विवाह किसी से भी ओ, हर प्रकार की मिठाई से डिमांड कर सकते हैं। ठीक है ठीक है जीजा, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। सभी भाई हम खाने के लिए बैठ चुके हैं, अब लंच शुरू होने वाला है, इसके बाद हम जाएंगे घर नीमा को विदा करके। तो चलो खाना खा लेते हैं पहले। सो फ्रेंड, लंच भी हो चुका है और सामने अच्छी खासी धूप लगी हुई है, बहुत प्यारी सी धूप लगी है। तो ऐसा करते हैं, आप चलते हैं घर, करते हैं नीमा को विदा और घर की तैयारी करते हैं। तो चलते हैं आप दोस्तों घर को। बस अब तैयारी कर रहे घर जाने की। चलो नीमा तो ठीक ठाक है, तो फिर बल कर रहे था वो अपना हिसाब था। पंद जी ठीक ठाक से ख्याल रखना हमारी लड़की का। सो फ्रेंड, मैं अपनी तरफ से नीमा को विदा कर चुका हूँ। तो बारात भी आने वाली है, उनकी मुनासिब में दो तीन शादियाँ आज के दिन में, इसलिए वो बहुत बिजी है। हाँ जी, फोटो आप भाई भी जाओ जो बोल नीमा की सास है भाई। हमारे लड़के का ख्याल हाथ से रखना, ठीक है? ठीक है नीमा, हाँ बता दिया मैंने सबको। चलो तो है, बाय नीमा। इमोशनल नीमा। तो इस प्यारे से व्यू के साथ हम सलून गांव को विदा कर रहे हैं, बाय बाय कहते हैं। चलो चलो चलो, हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक ठाक है, ओके। चलो तो ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं ऊपर सलून सलून खाल में, वहां से आपको दिखाते हैं हिमालय का व्यू। चलो भाई, ओके ओके, देखो भाई कितने बड़े बड़े मकान हैं इस साइड में। तब को काम बराती वेट करना है, ठीक है ठीक है। देखिए भाई माल्टे के पेड़ भी है, तो कुछ इस तरह का है सलून गांव का व्यू। कितने बड़े मकान है देखो, सामने वाली हवेली और कितनी सारी बड़े बड़े मकान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा हिमालय भी दिखाई दे रहा है यहाँ से। एक और बड़ा सा मकान यहाँ पे, चल जाते तुम बैठे जी। चलो जी, तो चलिए, अच्छी धूप लगी हुई है। मेरे साथ मनु भाई तो आ गए भाई, चलो निकलो। देखो भाई ऊपर की साइड भी बड़ी मकान है, चढ़ाई में परेशान हो गए। एक हवेली ऊपर भी दिखाई दे रही है। शशि और संदीप आ रहे हैं,
एक बड़ा सा घर ठीक मेरे सामने, खूबसूरत। ये देखिए तो की बरात भी पहुंच चुके सलोन गांव में, और हमारी दीपा बहुत सर्वप्रथम लगी है। चलो चलो जी, धन्यवाद। और हमें इस रास्ते से गुजरना होगा, यहाँ पर रास्ता रोक दिया मैं सुने दर्शन में। हेले हेले, तो मैं तो निकल सका हूँ भाई सीधा है। नमस्कार बड़ा, पहुँच गए ठीक। तो एक कुड़े थी कि बराती जा रहे हैं दोस्तों। भाई साहब यहाँ से व्यू तो देखिए भाई, राट छठ का व्यू कितना शानदार व्यू है। अरे दूध तोली भी दिखाई दे रहा सामने, ये रहा दूध तोली। और हमारे साथी भी आ रहे पीछे से, ये सबसे बड़ी दुकान है सलोनधार की, रावत रेस्टोरेंट। तो दोस्तों सलोन से वापसी नीमा को छोड़ के हम पहुंच चुके हैं कन्योर बहन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कन्योर बहन पे। तो बहुत शानदार व्यू है कन्योर बहन का। और यहाँ से नीचे दीपक का भी व्यू दिखाई दे रहा है दोस्तों। बहुत शानदार, और ऊपर बड़ा सा कन्योर ठीक ठाक हो रहे हैं। जाओ ना बढ़िया मजा, मैं टेस्ट कर लो बड़ा मस्त टेस्ट।